तो मेरा एक प्रश्न है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा टाइम हम अपने मूवीज को लेकर सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो मूवीज में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलता है। आई एम राइट? अगर आप भी मूवीज देखते हैं तो आपको भी लगता होगा कि हाँ यार, ये मूवीज किस तरीके से बनता है, स्क्रिप्ट क्या रहेगा, कौन से कंटेंट के ऊपर बन जाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर मैं थोड़ा डिटेल में तो नहीं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानने का इच्छा था, तो इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि थोड़ा बना लूंगा। चलिए, मैं आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कंटेंट क्रिएशन होता है और जो सिनेमैटिक व्यूज जो होता है, वो हर चीज में अलग अलग होता है। जैसे कि जो सिनेमा हम लोग एक बार देखते हैं, कोई बंदा या बंदी या मतलब 80 60 साल 70 साल तक भी हम लोग मान के चलो कि आजकल के जमाने में तो होता ही होगा कि सिनेमा इज नॉट एन वेरी गुड इंटरेस्टिंग पार्ट, और सिनेमा ही हम लोग ऐसे एक चीज से देखते हैं कि हाँ यार, ये तो विजुअलिंग पार्ट है। तो उसमें ना थोड़ा ऐसे कुछ चीजें इतना मजा आता है। और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज है जो कि हमें एडुकेशन के बारे में बताया जाता है कि हाँ, इस चीज से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग वी कैन हैव मेक ए मनी ऑनलाइन विद दिस सिस्टम्स आल्सो। जैसे कि मैं आपको कौन जो चीज हमें देखने को मिलता है वो एक ही चीज है सिनेमा में, इससे मतलब पूरा एंगेजिंग का पार्ट होता है। जैसे कि क्या बता रहा है, क्या टॉपिक है, क्या स्टोरी है। तो क्यों ना हम लोग भी अपने कंटेंट क्रिएशन को जर्नी में थोड़ा स्टोरी टेलिंग, थोड़ा विजुअलाइजिंग, थोड़ा काफी कुछ अट्रैक्टिव चीजें देखने को मिलता है, और ये सब चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। बेसिकली ये होता ही है, तो हम लोग भी इस तरीके से हम लोग अपने काम को लेकर भी कर सकते हैं। अब से ना आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको एक स्क्रिप्ट, इट विल शुड मेंटेन ए स्क्रिप्ट राइटिंग, एंड यू शुड एड दिस समथिंग लाइंस कि हाँ, ये चीज तो होता है, और हाँ ये भी चीज तो होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसमें ना हमें काफी कुछ चीजें देखने को मिलता है जो कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन में जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि कॉल टू एक्शन हो गया, हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, और क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज है, तो इन सभी चीजों को लेकर भी हम लोग देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो सिनेमास होता है, सिनेमास में जो कहा जाता है कि एक स्टोरी हो गया, एक पूरी स्टोरी, आपको 2 घंटे की पिक्चर आपको पूरी की पूरी 5 मिनट में बता डालोगी, लेकिन एक 2 घंटे का क्लास अगर आप सुन लो, पढ़ लो, तो भी आप बोलोगे कि अरे यार, समझ में ही नहीं आया, क्या करें हम लोग। तो इसको ना थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब सिनेमास देखते हैं तो सिनेमास में हमें एक चीज तो पता चलता ही है कि वो तो स्टोरी विजुअल फॉर्म है। हम लोग कोई भी चीज विजुअलाइजेशन के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारा स्टोरीज, जो विजुअलाइजिंग का स्किल्स है, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो वीडियोस प्रेजेंट आउट हो रहा है, उसको ना आप थोड़ा पिक्चर एंड डायग्रामेटिक फॉर्म में आप इस्तेमाल करना सीखो, ताकि इसको और भी हम लोग बेहतर तरीके से बना सकें। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, और आपको इस तरीके के वीडियोस के लिए आपको मैं, और मैं एक डिजिटल मार्केटर एंड फुल टाइम मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, वो भी इस दुकान में, कि मैं इसको इस तरीके से ही वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे भी हो, थैंक यू सो मच अगर आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, एंड ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का। अंटिल देन, बाय बाय।